प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। श्योपुर, शिवपुरी, दमोह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही है कि यहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और खराब हो गई है। बाढ़ में फंसे छात्रों, ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं शहर की निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, श्योपुर, शिवपुरी और दमोह की तस्वीरें। तीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। लोगों को यहां पर नाव से रेस्क्यू किया गया है। शिवपुरी और दमोह में भी आपको सड़क नजर नहीं आ रही होगी, यहां पर भी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दमोह में तो जो टीचर थे वो बाइक पर थे और फंस गए इस पानी में, उन्हें रेस्क्यू किया गया। वहीं श्योपुर में स्कूल वैन ड्राइवर की लापरवाही के चलते छात्रों की जान जोखिम में आ गई। उफनती नदी के ऊपर से गाड़ी को निकाला, पानी में डूबे पुल से स्कूल वैन को पार कराया। बच्चों से भरी वैन को पुल से पार कराया गया। विजयपुर के एकलोद गांव का ये मामला है जहां देखिए नदी में पानी किस कदर उफान में है और इस उफनती नदी से स्कूल वैन ड्राइवर ने इस वैन को बाहर निकाला। छात्रों की जान को खतरे में डालते हुए इस पानी से स्कूल वैन बाहर निकाली गई है। चालू ना है रही है, पहली वाला चालू है, वही है तीनों तरफ बंद हो गई, पानी बड़ी हो। वहीं शिवपुरी में भारी बारिश का दौर देखने को मिला है। लगातार जारी पोहरी में बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पोहरी से 24 गांव का संपर्क टूट गया है और इसके अलावा जितने भी वाटरफॉल्स हैं वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन बढ़ते पानी को देखते हुए पर्यटकों को रोकने के लिए कोई इंतजाम स्थानीय स्तर पर नहीं किए गए हैं। वहीं श्योपुर में मूसलाधार बरसात से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बड़ौदा इलाके में बाढ़ के पानी में फंसे 12 छात्र छात्राओं और 35 गांव वालों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तो वहीं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में फंसे लोगों का प्रशासन की टीम ने ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया। जिले में बहने वाली अमराल नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते बड़ौद चारों तरफ से पानी में घिर गया और कई लोग घरों की छत पर फंसे हुए दिखाई दिए। वहीं दमोह में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ नदी में समा गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक किसान को तैरना आता था और उसने तैरकर अपनी जान बचा ली। मामला बटियागढ़ थाना क्षेत्र का है जहां किसान अपने ट्रैक्टर से खेत में बुआई करने गया था। लौटते वक्त उसने कीचड़ लगे अपने ट्रैक्टर को धोने के लिए नदी में ट्रैक्टर उतारा, लेकिन गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से पूरा ट्रैक्टर ड्राइवर समेत नदी में समा गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे गांव वालों ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला। खबरें